सो वेलकम टू रुपेश वर्मा चैनल। जी हाँ दोस्तों, मैं आ गया हूँ वीडियो के साथ। सो इन दिस वीडियो वी हैव टॉक अबाउट द केस टू। सो आपका है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड अनइक्वल वेट। मैं पिछले वीडियो में बताया था डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड इक्वल वेट, इसमें आपका वेट अलग अलग रहेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। सो लेट्स सी। सो ए इज इक्वल टू 30 degree 28 minute 40 second, वेट 2 दिया हुआ इसमें, एंड 3 ए इज इक्वल टू 91 degree 25 minute 35 second, वेट इसमें 3 दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सो लेट्स सी द आंसर। सो ए दिया हुआ है, इसमें आपका वेट दिया हुआ है 2, और उसमें वेट 1 था सिंगल, लेकिन देखिए इसमें जब ए है तो यहाँ पे 1 है, सो हो जाएगा आपका वेट 2 into 1 2, और इसमें ए में 3 है, सो आपका इसमें दिया हुआ वेट 3, सो 3 into 3 9। अब निकालना हम लोग को ए, तो देखिए 9 into 3 27, और 2 into 1 2 2 is equal to, अब इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना है 2 में, सो 2 into 30 degree 28 minute 40 second, सो वी गेट 60 degree 57 minute 20 second। जी हाँ दोस्तों, सो आपको इसी तरह से इसमें भी करना है 9 into this 91 degree 25 minute 35 second, सो वी विल गेट 822 degree 53 minute 15 second। सो देखिए 27 plus 2 29, ए इज इक्वल टू 833 degree 50 minute 35 second, सो ए इज इक्वल टू 28 degree 45 minute 11.55 second। सो आपको इस वीडियो को रिगार्डिंग कोई भी तरह का दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपको रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा। सो थैंक यू सो मच, कीप सेइंग माय वीडियो एंड कीप लविंग। धन्यवाद।